हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की डेट में अभी एक वीडियो हमने अपलोड करी है। आई हैव बॉट दिस स्टॉक्स फॉर 130% रिटर्न। तो इसकी तरफ देख लीजिएगा, काफ़ी बेहतरीन दिग्गज स्टॉक्स है। एज वेल एज कल की डेट में भी यहाँ पर तीन चार वीडियो आई है, इन वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन नॉलेज मिलेगी। और यहाँ पर आपको सीखना है, सीख के यहाँ पर आप पोजिशंस लेंगे ना, खुद की स्टडी करके पोजिशंस लेंगे तो आप अच्छे खासे पैसे बनाते हुए दिखाई देंगे। और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एज वेल एज आपके लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है, हर एक वीडियो जाके देखिए, यहाँ पर इन वीडियोस को जाके देखिए एक एक करके, और तो अच्छा खासा नॉलेज मिलेगी। और लास्ट तक देखिए और एक एक बार नहीं दो दो बार रिपीट करके देखिए, तो अच्छी खासी नॉलेज किस तरीके से स्टॉक की एनालिसिस करते हैं वो आपको पता चल जाएगी। एज वेल एज हम बात करें तो आज बात करने वाले हैं दो फार्मा के दिग्गज शेयर। अगर बात करें आज के निफ्टी फार्मा की, अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं निफ्टी फार्मा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो निफ्टी फार्मा की आज धज्जी उड़ती हुई दिखाई दी। ओके, और लगभग 4% शेयर 4% ये गिरता हुआ दिखाई दिया। ऐसा फॉल अभी तक यहाँ पर देखा नहीं गया था, एक अच्छी खासी रैली देखी गई थी। और अगर हम देखें गिरने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर की तरफ भागा भी। और यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए अच्छा खासा चार्ट पैटर्न ही है। यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट थी, फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दिया दोबारा। यहाँ पर अगर बात करें इस बीच में फार्मा के ऐसे शेयर भी है जो आपको दिग्गज शेयर बड़े कम प्राइस पे हो गए हैं और आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। और उन शेयरों में आप अच्छा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा। तो उन्हीं शेयर से, दो शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस से मिलती रहे और हम सब आज साथ में मिलकर आगे बढ़ते रहे। तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को लाइए बताइए, तो साथ में पैसा कमाएंगे तो अच्छा खासी नॉलेज मिलेगी और पैसा भी कमेगा। तो हम जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, पहला शेयर यहाँ पर ये है अलेम्बिक फार्मा। अलेम्बिक फार्मा की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलेम्बिक फार्मा इज इन द प्रोसेस ऑफ सॉरी बिजनेस ऑफ डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, मतलब फार्मा के ये प्रोडक्ट्स बनाता हुआ दिखाई देता है। और 52% टर्नओवर फ्रॉम द इंटरनेशनल जेनरिक दवाइयों से पैसा कमाता हुआ दिखाई देता है। 52% वो भी जेनरिक दवाइयां। अगर हम यहाँ पर देखें मार्केट कैप 17,883 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो आज के दिन बहुत बेहतरीन यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। बुक वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, आरओसी देख सकते हैं, 26% की आरओसी के साथ पैसा बढ़ा रहा है आपका। और डेट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए 10% का ही डेट है, ना के बराबर यहाँ पर डेट है, कम डेट है। एज वेल एज यहाँ पर देखिए इंट्रेंसिक वैल्यू के काफी नीचे चल रहा है और अभी तो शेयर प्राइस और कम हो गया है, लगभग 800 रुपए के आसपास है। और यहाँ पर फेस वैल्यू देखिए तो यहाँ पर फेस वैल्यू देख सकते हैं, आज दो की फेस वैल्यू के साथ यहाँ पर कंपनी काम कर रही है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ग्रोथ, यहाँ पर अगर हम देखते हैं पिछले 12 तो देखिए कंसिस्टेंसी के साथ ओके यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है शेयर। ओके, इस बार के भी अगर रिजल्ट देखें तो अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो थोड़ा सा कम है यहाँ पर प्रीवियस कुछ क्वार्टर से, बट स्टिल यहाँ पर देखें तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी है कंपनी प्रॉफिट में एटलीस्ट। और नेट प्रॉफिट भी देखिए तो अच्छा खासा यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी है। और हम बात करते हैं ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे देखिए ग्रोथ 1200 करोड़, फिर 1400, फिर 1500, 1800, 2000, 3100, फिर उसके बाद देखें 3900, 4500, इस बार की भी सेल्स देखे ओके तो अच्छी खासी सेल्स है। पिछले 12 महीने की सेल्स भी अगर देख हम काउंट करें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1386, इसके अलावा हम देखते हैं नेट प्रॉफिट वो भी 85 करोड़ से बढ़ के 1041 करोड़ हो गया, हाईएस्ट एवर पिछले 2 साल में यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं। और कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, जब ऐसे शेयर आपको नीचे लेवल पर मिलते हैं ना तो ऐसे शेयरों को छोड़ा नहीं करते, हमेशा याद रखिएगा। रिजर्व्स की बात करें 5,888 करोड़ के रिजर्व्स है, बोरिंग देखिए कम बोरिंग कितनी 1747 करोड़ थी, 500 करोड़ रह गई है, लगभग 1247 करोड़ रुपए यहाँ पर एक साल के अंदर अंदर इन्होंने अपनी बोरिंग कम कर दी है। फिक्स एसेट बढ़ गए हैं और यहाँ पर देखिए वर्किंग प्रोग्रेस में 2182 करोड़ रुपए है, जब 2182 करोड़ रुपए 1790 करोड़ रुपए में यहाँ पर ऐड होते हुए दिखाई देंगे तो लगभग 4000 करोड़ रुपए के आसपास होंगे। और यहाँ पर अगर देखें फिर जो यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी आपको, फिर इसके बाद यहाँ पर जो ये सब चीज़ आपको बढ़ती हुई नजर आएगी आपको खुद पता चल जाएगी कि कंपनी कितनी बेहतरीन है, यहाँ पर कहने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट 236 करोड़ रुपए का है, कैश की बात करें 106 करोड़ का कैश है और देखिए 1463 करोड़ रुपए इनकी बुक में पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को आपको समझना है।
प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 69% की यहाँ पर होल्डिंग है, एफआईआईज की बात करें 6.41, डीआईआईज ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी इस क्वार्टर में बढ़ाई है, और पब्लिक की बात करें तो 12% 13%। तो ये बेवकूफ लोग नहीं है जिन्होंने अच्छी खासी यहाँ पर होल्डिंग ले रखी है, बट स्टिल यहाँ पर अगर शेयर गिरता है तो एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन जाती है, हम छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बन जाती है, हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बन जाती है कि हम ऐसे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख के अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल्स की और कुछ प्रीवियस हिस्ट्री की। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि जब भी शेयर आपको यहाँ पर आर एस 30 की आर एस आई पे मिल जाए ना और उसके नीचे मिल जाए तो आपको शेयर उठाना है। और जो भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड बात कर लिए, फार्मास्यूटिकल्स हैं, यहाँ पर इसके फाइनेंशियल देख लिए काफी बेहतरीन है, और यहाँ पर अगर देखते हैं 15 के यहाँ पर देखिए आर एस आई चेंज हो रहा है, तो 15 के आर एस आई पे यहाँ पर शेयर मिल रहा है, 807 रुपये पे यहाँ पर शेयर आ गया है। तो ऐसे शेयर को अभी नहीं उठाओगे तो फिर जिंदगी में कभी नहीं उठाओगे, पहली बात। और दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पर हिस्ट्री से देखेंगे, देखिए जब भी यहाँ पर इस तरीके से गिरावट हुई है ना तो ये शेयर ने एक अच्छी खासी मुफ्त रैली दिखाई है और आपका पैसा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। देखिए यहाँ पर पैंडमिक में गिरा था, ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए 442 रुपये का शेयर 1000 रुपये के पर जाता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पर से देख लिए एक ही बारी में। इसके थोड़ा सा टाइम लगा था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें ये 31 मार्च था, इसके बाद यहाँ पर अगस्त मतलब 6-7 महीने के लगभग लग गए थे यहाँ पर जाने पर। फिर यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर फिर दोबारा एक अच्छी खासी यहाँ गिरावट हो गई है दोबारा यहाँ पर, जब भी और हर बार जहाँ पर जितनी बार नीचे गया है ना फिर ऊपर की तरफ और ज्यादा भागा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से गिरा था यहाँ पर 2019 में, फिर उसके बाद जब भागा था तो यहाँ पर देखिए ये प्राइस कितना था, ये प्राइस था 438 रुपये के लगभग, तो यहाँ पर 600-700 रुपये यहाँ पर भागता हूँ, मतलब 40-50% का आपको रिटर्न देता हुआ नजर आया, 50% से भी ज्यादा। फिर इसके बाद हम देखे इससे पहले देखे यहाँ भागा था, यहाँ पर थोड़ा सा ही भागा था फिर गिरावट हो गई, यहाँ पर देखे तो यहाँ पर भी इसी तरीके से गिरा था, फिर उसके बाद अच्छा खासा भागा फिर नीचे आया। तो शेयर इसी तरीके से भाग रहा है, इसी की तरह से भागते भागते ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे शेयरों को आपको चुनना है, ऐसे शेयरों को आपको छोड़ना नहीं है, इस चीज को यहाँ पर याद रखिए। और इसी तरीके से यहाँ पर एक रैली होती हुई नजर आती है और यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर आएगा इस शेयर को अपनी जोली में भरेगा और जब भर के एक साथ ले जाएगा, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक पहले तो यहाँ पर देखिए इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर अभी एक जब फार्मा के शेयरों में यहाँ पर बिकवाली हो गई है तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट आ गई है। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा पेशेंस आपने रख लिया तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ मुझे तो नजर आ रहा है। पहला टारगेट की बात करें, पहला टारगेट यही है 1030 वाला, दूसरा टारगेट की बात करें 1100, फिर उसके बाद जो यहाँ पर टारगेट नजर आ रहा है फिर इसके हिसाब से यहाँ पर टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अभी ऐसे टारगेट ना बात करके हो गए, यहाँ पर चार्ट पैटर्न की ना बात करते हुए हम सिंपल बात करेंगे इसी चीज की कि पहला टारगेट तो आपको 1000 रुपए के आसपास है जो कि अभी 200 रुपए के आसपास ऊपर है, फिर उसके बाद 1100-1300 रुपए यहाँ पर ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, अच्छा खासा शेयर ये भागता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एक और शेयर आपको बताता हूँ जिसने आज अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। आपको आप कर रहे होंगे क्यों बता रहे हैं ये शेयर, किस लिए बताया जा रहा है, अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे जो मार्केट में टीवी में आपको बताया जाता है, तो उसे आपको भरोसा नहीं करना है। आरओसी बात करें 15 की आरओसी है, 17% का डेट है, 90,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटल है, और ऐसे दिग्गज शेयर जब गिरते हैं ना तो आप नहीं उठाओगे तो जिन्होंने बेचे है ना वही उठाएंगे और इसे फिर दोबारा ऊपर ले जाएंगे। एपीआई इसमें कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इसके अलावा हम बात करें ये शेयर काफी दिग्गज है और यहाँ पर स्पुतनिक जो वैक्सीन आने वाली है वो यही कंपनी मैन्युफैक्चर इंडिया में करेगी, उनके साथ टाई अप है। सेल्स की बात करें यहाँ पर सेल्स देखिए हाईएस्ट एवर सेल्स यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पर किस तरीके से अच्छे रिजल्ट नहीं आए वो मुझे नहीं पता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। थोड़ी बहुत गिरावट है, फार्मास्यूटिकल शेयर है क्योंकि बीच में यहाँ पर अच्छी खासी रैली आई फिर भागे फिर यहाँ पर गिरावट हुई, तो ये सब चीज है इन शेयरों में चलती रहती है। रिजल्ट भी अगर देखने आज के डेट में यहाँ पर रिजल्ट आए तो रिजल्ट भी यहाँ पर नीचे जाके एक बार देख लेते हैं इस कंपनी से रिलेटेड। तो यहाँ पर देख लीजिए रिजल्ट, इन मिलियंस में रिजल्ट है। रिवेन्यू देखे तो देखिए रिवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कॉस्ट ऑफ यहाँ पर देखिए रिवेन्यू, जब ये रिवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो ऐसे शेयर अच्छा खासा तो कंपनी ने परफॉर्म किया है। ग्रॉस अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो वो भी अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट नजर आ रहा है 5,708 इससे पहले ईयरली बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट है, क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म किया है। यहाँ पर अगर बात करें ईपीएस ये भी अच्छा खासा है, बट फिर भी ये शेयर को 10% गिराया गया है, तो आप खुद को खुद सोचना है कि ये शेयर के रिजल्ट भी अच्छे हैं, सब चीज अच्छा है, और जब ये शेयर भागेगा तो आपके हाथ में नहीं आएगा, इस चीज को याद में रखिएगा।
ईयरली परफॉर्मेंस भी देख लीजिए, 7000 करोड़ की सेल्स यहाँ पर 19,000-20,000 करोड़ की सेल्स पे पहुंच गई है। 352 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर हाईएस्ट एवर, लगभग 2000 करोड़ के आसपास यहाँ पर चल रहा है पिछले 3-4 क्वार्टर से। इस चीज को देखें, यहाँ रिजर्व देखिए 17,000 करोड़ के रिजर्व है। बोरिंग की बात करें, बोरिंग यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, ओके यहाँ पर अगर बात करें, बट पहले तो यहाँ पर 5,000 बोरिंग हुआ करती थी। और यहाँ पर बोरिंग और यहाँ पर यहाँ देखिए फिक्स एसेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, वर्किंग प्रोग्रेस में 1565 यहाँ पर करोड़ रुपए यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में लगे हैं। जब यहाँ पर ये ऐड होंगे तो इनकी सेल्स किस तरीके से बढ़ेगी आप खुद सोच लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है, कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर कैश अच्छा खासा है 1400 करोड़ रुपए का, जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है। 3500 करोड़ की यहाँ पर इनके बुक में है। इसके अलावा देखे प्रमोटर्स की होल्डिंग 26.73 एज इट इज, एज वेल एज एफ आई की बात करें 29%, डी आई की बात करें 59%। इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जब इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है तो ये बेचने नहीं वाले, इस चीज को याद रखना। पब्लिक की बात करें 28% दिखा रहा है, पर एग्जैक्टली 28 नहीं है। जेपी मॉर्गन ने यहाँ पर 12% की ले रखी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल 1.3% की यहाँ पर हिस्सेदारी है। और यहाँ पर एनपीएस ट्रस्ट अकाउंट की बात करें 1.23, अगर यहाँ पर इस सब को घटा देते हैं 15% के आसपास, तो लगभग 13-14% की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक के पास नजर आती है। और चार्ट पे भी अगर हम एक बार डॉक्टर रेड्डी को देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये परफॉर्म कर रहा है, तो सेम हिस्ट्री यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर देख लीजिए शेयर से रिलेटेड, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए फिर दोबारा ये शेयर की आरएसआई कितनी चल रही है, 23 की आरएसआई पे यहाँ पर मिल रहा है, बहुत नीचे जा चुका है ये शेयर। ओके फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि बीच में देखिए जब यहाँ पर नीचे गिरा था ये शेयर 4200 के आसपास आया था, उसके बाद एक बार भागता हुआ दिखाई दिया, तो 5400 रुपए कितने टाइम में ये भाग गया था यहाँ पर, अगर हम देखें कितने टाइम में यहाँ पर ये भाग गया था, तो यहाँ पर देखिए तो कितना टाइम लगा था इसे यहाँ पर यहाँ तक जाने में, इसे लगा था 104 दिन, मतलब 104 दिन में ये आपको कितना परसेंट के रिटर्न दे रहा था अगर हम देखें, 35% के रिटर्न 104 दिन के अंदर अंदर दे दिए, तो ऐसा क्या आपको मतलब 6 महीने भी नहीं लगे और 35% के रिटर्न मिल गए। दोबारा यहाँ पर अगर इस तरीके से और गिरावट आती है, और सबसे मेन बात है यहाँ पर दोनों चार्ट पैटर्न में अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर 200 DMA को यहाँ पर तोड़ा है इसने भी, एज वेल एज अगर बात करें अलेम्बिक फार्मा ने भी, इसने भी 200 DMA को तोड़ा है। जब भी अच्छे खासे शेयर 200 DMA के नीचे आपको मिल रहे हो ना, तो ऐसे शेयरों को आपको बेचना, आपको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए, ये मुझे पर्सनली लगता है। और हमारी हिस्ट्री भी यही, इस शेयर में भी हिस्ट्री इसी तरीके से दिखाई गई है, जब भी ये शेयर नीचे गिरता है अच्छा खासा भागता है, जब भी ये शेयर नीचे गिरता है फिर अच्छा खासा भागता है, तो ऐसे शेयरों को मुझे तो लगता है रखना चाहिए। एक शेयर मेरे पास है, एक शेयर, इस शेयर को मैं अलेम्बिक है, डॉक्टर रेड्डी नहीं है, तो डॉक्टर रेड्डी को भी अगर थोड़ी बहुत और गिरावट होती है तो आई विल अकुमुलेट, क्योंकि काफी बेहतरीन शेयर है, अगर 6 महीने में 35% के रिटर्न भी दे दिए तो 1 साल में 70% के रिटर्न होते हैं। और 1 साल में 70% के रिटर्न का मतलब है आप 10 लाख रुपए लगा देते हैं तो आप 1000 करोड़ रुपए 20 साल में कमा लेते हैं। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना है, हमारे सपोर्ट करिए जितना हो सके, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मार्केट में लाइए, सीखने का मौका मिलेगा और पैसा बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।